गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्यार से होंगे। गाइस आज का जो हमारा वीडियो है वो एक इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है जो कि हमारा एक्जीरो कंपनी का वैक्यूम स्टोरेज बैग है। इस बैग के बारे में देखेंगे इसे कैसे, इसका क्या यूज़ होता है, मैं वो आपको बताने वाली हूँ। गाइस सबसे पहले ये जो हमारा है इसको मैं अभी अनबॉक्स करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके का हमारा जो बैग है डिफरेंट डिफरेंट साइज में आपको अवेलेबल है, और जो हमारा मेन है मशीन वो कुछ इस तरीके का है। तो गाइज ये हमारा वो प्रोडक्ट है, मैं आपको बता दूँ, आप कहीं भी जाते हो, कहीं ट्रैवल में जाते हो या फिर घर में ही आप अपने अलमीरा में बहुत सारे ऐसे कपड़े रखते हैं, बहुत बड़े बड़े वैसे जैसे पीलो भी हो गए, तो ये सब जो चीज़ें होती है बहुत ही ज़्यादा जगह लेती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा जगह ले पाती हैं। तो भाई उसको हम कैसे कम में करेंगे और कैसे कम में करके हम ज़्यादा जगह बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम अपने अलमीरा में या फिर कहीं हम जा रहे हैं कहीं जर्नी पे तो लेके कैसे ज़्यादा जाएंगे, तो उसके लिए गाइज ये है मशीन। ये क्या काम करता है गाइज कि आपका ये भी मान लीजिए ये टेडी बियर है। अभी इस वीडियो में इतने बड़े जो आप टेडी बियर को देख रहे हो, मैं इतने बड़े टेडी बियर को एक छोटे छोटे से बैग में भर के बिल्कुल इतना छोटू सा मैं करके दिखाऊंगी, और उसके लिए ये मशीन है। ऐसा नहीं है कि बस आप टेडी बियर, ऐसा बहुत सी जैसे हो गया आपका पीलो हो गया, उलन क्लॉथ्स हो गए या फिर टी शर्ट शर्ट कुछ भी हो गया, तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से इस बैग में, यहाँ पर मैंने पहले बताया कि अलग अलग साइज़ के हमारे पास 6 बैग मिले हुए हैं, कोई छोटे हैं उससे बड़े हैं उससे बड़े, तो टोटल 6 बैग हमें दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी सामान है उसके सामान के अकॉर्डिंग आप इसमें आसानी से रख सकते हैं। एंड इसका जो क्वालिटी है गाइस, ये देखो इतना बड़ा सा है, ये प्लास्टिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना बड़ा आप देख सकते हैं देखो, और ये इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी दी हुई है, वाटर प्रूफ है। यहाँ पे जब भी हम हवा इसे जो डालेंगे, ये हमारी दी हुई है, ये हमारी एक सील है जहाँ से कि हम इसके थ्रू एयर यहाँ पे, इससे हमारा जो एयर है वो निकालेंगे, और मेन हमारा जो जिप है वो यहाँ पे है। ये हमारा एक अच्छा सा आपको जिप मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी मिल जाती है। और बाकी हम कैसे इसे करेंगे, बाकी सारे प्लास्टिक हमारे हैं ना सेम इसी तरीके के हैं, क्वालिटी मेरे को आप वीडियो में भी समझ में आता होगा, देखिए इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी खासी है। ये सबसे अच्छी चीज़ वाटर प्रूफ है गाइस, आप कहीं भी इसे लेके आसानी से जा सकते हैं। ये देखो इससे उससे बड़ा ये वाला जो प्लास्टिक है हमारा दे रखा है। तो गाइस ये है, मैंने आपको बताया सारे में आपको ऐसे ये मिल जाएगा जहाँ से कि हमारा जो एयर है वो निकलेगा, और सारे में आपको एक अच्छा सा खासा ये जो आपका जिप है वो दिया हुआ है इसको लॉक करने के लिए। तो गाइस चलो ये मैंने आपको बता दिया, अब हम कैसे किसी चीज़ को, बहुत सारे बड़े से सामान को हम छोटे में करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेडी बियर है काफ़ी मेरे को परेशान करता है, बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा ये जगह एक्यूपाई करता है, तो इसको हम इतने बड़े टेडी बियर को इसी प्लास्टिक में हमें एडजस्ट करना होगा। तो चलो देखते हैं हम कैसे इसे एडजस्ट करेंगे और क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा आपको दिखाएंगे। तो गाइस चलो हम इसको इस प्लास्टिक में डाल, ये देखो गाइस मैंने सबसे बड़ा वाला पैकेज है किया है इसके लिए, इसको भरने के लिए, ये देखिए अभी भी इसका टांगी भरने के लिए मैं कुछ उसके कुछ पीस डालू, ये छोटू सा भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है लॉक इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे, एंड ये जो हमारा मशीन दिया हुआ है सिंपली यहाँ पे हमें टाइट कर लेना है। ये हो गया है, बस आपको इसको ऐसे ऐसे करते जाना है।
यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो कितने सारे बड़े से बैग को मैंने एक छोटे से में कर लिया, और इसका आप देख सकते हो बिल्कुल ये हार्ड हो गया है, क्योंकि इसका अभी भी ये अभी बहुत ज़्यादा ये अभी इसका हवा निकलेगा, अभी भी ये फुला ही हुआ है। तो ये देख सकते हो भैया मेरा ऐसे निकाल निकाल कर, मैं तो थक गई थी, बट भैया को मैंने करने को दिया और देख लो कितने कितने। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो जो मेरा कितना बड़ा सा टेडी बियर था उसको मैंने इस बैग में कितने छोटे से मैं कर दिया है। हालांकि ये अब टाइट हो गया है, इसमें कोई भी एयर नहीं है, तो ये हम यहाँ से निकाल देंगे। अरे ये जो हमारा है कैप, इसको हम यहाँ से लगा देंगे। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा टेडी बियर है वो कितना छोटू सा में हो गया। ये देखिए पीछे में हमारा जो टेडी बियर येलो येलो सा था वो किस तरीके का है, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से छोटे में हो गया। ये अब आपको कहीं भी आसानी से ज्यादा जगह नहीं लेने वाला है, कोई भी कहीं पे भी ये फिट आ सकते। बस यहाँ पे टेडी बियर हमने बैग में भरने के बाद फिर से मैंने भैया को मैंने बोला कि चलो भाई इसको निकाल के भी वीडियो बना ही लेते हैं कि देखते हैं यहाँ पे मतलब कैसे निकलता है, कुछ ख़राब तो नहीं होता है मेरा टेडी बियर। इसके जो फरे हैं, जो उसका फर है वो मुड़ता तो नहीं है। तो यहाँ भैया फिर से देखिए यहाँ से लॉक हमारा हटा रहा है, सील खोल रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अभी हमारा जो टेडी बियर है वो किस तरीके से निकला। ये देखो धीरे धीरे जो हमारा बैग का साइज़ है वो बड़ा हो रहा है, ये देखो फूल रहा है। तो गाइस देख सकते हो किस तरीके से इतना, ये देखो भाई मेरी टेडी बियर को, वाओ। और देखो कुछ भी इसमें नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से है। भैया ने इसका कान से नचा दिया एंड देन ये फिर एकदम पहले की जैसा एकदम फिट हो गया। आप देख सकते हो कितना क्यूट से है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। तो गाइस बहुत ही अच्छा एक आपको मशीन है वैक्यूम स्टोरेज बैग से रिलेटेड जो हमारा वीडियो था ये है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी गाइस, ये हमारा जो भी आज का वीडियो है ये उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है जो मतलब ये क्या सभी लोग के लिए ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें ज्यादातर आप हमें वो इजी होगा सामान रखने, जैसे हमारे ठंडी के हो गए, ब्लैंकेट वगैरह हो गए, वो सब ज्यादा जगह लेते हैं, या फिर कोई भी वैसा वुलन चीज हो गया, या फिर कोई वैसा आपका गद्दा वगैरह हो गया, तो उसको आपको जो इतने इतने में रहता है आप उसको कम में करके आसानी से कोई भी चीज रख सकते हैं। या फिर आप कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग पे, तो उस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम इतने सारे सामान कैसे लेके जाएं। तो इस मशीन के थ्रू गाइस आप कोई भी सामान, बड़ा से बड़ा सामान आप एकदम छोटे से में करके ज्यादा स्पेस बना सकते हो और ज्यादा से सामान आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो। तो गाइस ये है हमारा आज का वीडियो जो कि इस वैक्यूम स्टोरेज बैग से था। और जिनको ये पसंद आया हो गाइस प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था ये भी आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो गाइस ये है हमारा आज का वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आपको कमेंट रिप्लाई ना मिले तो अबाउट मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ अगर कोई क्वेश्चन करते हो मैं इजिली रिप्लाई दे दूँ। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।